नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम टू सुपर ग्राट स्ट यू हैव ऑलरेडी हैड वन सेशन ऑन द स्टार्टअप इकोसिस्टम इको सिस्टम श्योर यू हैव गॉन थ्रू अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लें बोथ आर इंडिपेंडेंट सेशंस इन फैक्ट एंड इनोवेशन के लिए सारे सेशंस इंडिपेंडेंट हैं आप जो सेशन चाहते हैं कि आपका वीक लग रहा है उसको पिक कर लें वेरी वेरी यूजफुल रिसोर्स फॉर योर इनोवेशन ऑन ऑन्टरप्रनरिप सेक्शन ऑफ द सीमेट एक्साम विदाउटिकाइम लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स फॉर एस एज फार एज द डिस्कशन ऑन ऑन्टरप्रनरशिप इज कंसर्न सो ब्रॉडली चार एरियाज आज हम कव करेंगे मेक श्योर दे रिमेबर लॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम दिस in the comments, and we'll share

तो दिस इज द ओरिजिनल मीनिंग इनफैक्ट ये भी एक क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुका है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस वेरी वेरी केयरफुली रिमेंबर द कंट्री इज फ्रांस जहां से ओरिजिन हुआ रिमेंबर द मीनिंग इज टू अंडरटेक और इन सिंपल टर्म्स टू डू समथिंग कुछ करने को बोलते हैं ऑन्टरप्रिनरशिप अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड रेफर्स टू यू डूइंग समथिंग अगर आप कुछ काम कर रहे हैं करने वाले हैं तो उसके लिए ऑन्टरप्रिनरशिप है हाउ एवर

बट ऑंटरप्रिनशिप एज अ टर्म का पहला एकेडमिक रेफरेंस हमें मिलता है फेमस इकोनॉमिस्ट हुई पहली बार उन्होंने यूज करा देन अराउंड एटीन हंड्रेड इकोनॉमि जॉ बैप्टिस्ट से टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक दैट मेड हैवी यूज ऑफ ऑन्टरप्रिन

After this book, so if a question aata hai, which is the book which is considered to be responsible for propagation of the term entrepreneurship? Remember this book, Principles of Political Economy. Although this was not the first instance or usage, the first academic use was uh, in 1730. In 1900s, Joseph Schumpeter uh, used this very frequently in his uh, explanations. In fact, this person is considered to be the father of modern entrepreneurship.

आगे बढ़ते हैं लेट्स लुक एट द द थर्ड इज टाइप्स ऑफ तो किस कितने तरह के ऑन्टरप्रिन ब्रॉडली हो सकते हैं सो so, वैसे अगर हम डे टू डे लाइफ में हम यूज करें तो बहुत अलग अलग 10, 11, 12 तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं बट अगर हम थ्योरी की बात करें वे इकोनॉमिक्स एक्चुअली गिवन द द्लासिफिकेशन सो ब्रॉडली चार तरह के ऑन्टरप्रिन की बात की गई है पहला इज इनोवेटिव सो हु आर इनोवेटिव ऑन्टरप्रिन कौन से ऑंटरप्रिनर्स को हम इनोवेटिव बोलेंगे एज द नेम सजेस्ट

बट दे एक्सट्रीमली केयरफुल इन टेकिंग अप एनीथिंग स्टेट अवे तो जल्दबाजी नहीं करेंगे टाइम लेंगे केयरफुल डिलीवरेशन रहेगा कॉशियस रहेंगे एंड देल बी लेस इनोवेटिव कंपेर्ड टू द ओरिजिनल टर्म दैट वी सैड इनोवेटिव ऑन्टरप्रीनर्स की वो स्टैंडर्ड मेथड पे ज्यादा जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं उनपे ज्यादा फोकस करेंगे देन एनीथिंग एल्स एंड फाइनली देर इज अनदर कैटेगरी ऑफ ऑन्टनर कॉल्ड एज ड्रोन ऑन्टरप्रिनर्स स डू नॉट लाइक चेंज इनके लिए बोला जाता है दे आर ओल्ड स्कूल ऑंटरप्रिनर्स जिनको ट्रेडिशनल नहीं भरोसा है किसी नए मेथड में भरोसा नहीं है एंड देख माइट है क्वेश्चन ऑन दीज लाइन इन देपर एट विच कैटेगरी ऑफ ऑनप्रेनर डू नॉट लाइक चेंज बिकॉज दिस इज स्लाइटली कॉन्ट्रोडिकली द मोमेंट यू थिंक ऑफ ऑन्टरप्रिनर्स विल फील की अरे ये कुछ बदलाव लाएंगे या तो अपने बिजनेस में या सोसाइटी में या इकोसिस्टम में यू विल फील की

तो जब हम साइज की बात करें स्मॉल रेफर्स टू अ स्मॉल बिजनेस इट कैन बी अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर अ स्मॉल काइंड ऑफ अ शॉप फार्मेसी शॉप एक्सेट्रा जहां पे बिजनेस का साइज बहुत छोटा है एंड देर इज नो थॉट इवन टू स्केल इट अप टू लार्जर लेवल विच इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलेबल स्टार्टअप एंड अ स्मॉल बिजनेस स्केलेबल स्टार्टअप में क्या होगा देर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल टू स्केल दी स्मॉल बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल यू कैन हैव मल्टीपल ब्रांचेस मे बी इन द स्टेट

ऑब्जेक्टिव है मेकिंग आर सोसाइटी अ बेटर प्लेस ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल डैमेज को रिस्ट्रिक्ट करना इस तरह के हैं मे मे और नॉट टू प्रॉफिटेबिलिटी बट द प्राइमरी इज टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज अब प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हो जाए वेल एंड गुड विन विन सिचुएशन बट अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर सोसाइटी में चेंज आ पा रहा है सो so, इस तरह के ऑन्टरप्रनरशिप को हम कैटेगराइज करते हैं सोशल ऑन्टरप्रोनरशिप में So I think today's session have are important uh, concepts cover kar liye. Remember the origin is from French. remember the timelines for important people in terms of contribution. remember the different types of entrepreneurs and remember the different categories of entrepreneurship. With this, I think that's all that I wanted to cover as far as this uh, session is concerned. I think uh, that's all from my side. I'll take your leave. ciao. あ。<music>